सीरियल नंबर क्या है? वही वाला है, थाना वाला, थाना वाला है सब लोहा जो बेच दिए। जी जी आइए, पूरा फैक्ट्री ही था। फैक्ट्री का, फैक्ट्री कोई भी खरीदता है ऑक्शन में, तो वो जो लोहा होता है ना, उसका पैसे से ही जमीन वो उसका सारा निकल जाता है, और आपका थाना इसके लोहा को ही बेच दिया। आप किससे परमिशन लेकर इनका लोहा बेचे? आप लोगों पर तो जितने अफसर इंचार्ज उस समय से थे और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब पर मुकदमा चलेगा, क्रिमिनल केस। किसके परमिशन से आपने बेच दिया लोहा? फैक्ट्री प्रीमाइसेस अगर ऑक्शन हुआ और फैक्ट्री प्रीमाइसेस का लोहा थाना कैसे बेच देगा? आप निकाल कर बगल में रखते कैंपस में, या परमिशन लेते कि हम बेचेंगे और उसके बाद अमाउंट देते? लैंडलॉर्ड सड़क पर रह गया और आप लोग सारा लोहा बेच लिए। जमीन पहले ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी नेशनल इंडस्ट्री की थी, ऑप्शन सेल हुआ, इन्होंने परचेज किया फ्रॉम बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, वो जो थोड़ा सा अलाउ किया। वेदर दी स्क्रैप, दी प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन वाज हैविंग सम स्क्रैप वैल्यू और नॉट, वो जो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट तो बीएसएफसी के पास पूरा मिलेगा, जिसमें क्या क्या स्क्रैप था वहाँ। वो जो ऑर्डर सेल ऑर्डर है वो लगाए हुए, सेल से नहीं, इनका इन्वेंट्री होगा इनके पास। दे दे हुजूर, तो हम दे दे इन्वेंट्री हम लोग को। अरे बीएसएफसी विल फाइल द इन्वेंट्री ऑफ द फैक्ट्री व्हिच वाज टेकन एट द टाइम ऑफ द व्हेन द फैक्ट्री वाज मॉर्गेज टू द बीएसएफसी, आ जाएगा। उतना लोहा का पैसा भी सरकार देगा, बाकी तो हुजूर का सब ऑर्डर कंप्लायंस होगी। वो तो कंप्लायंस, अरे कोई एहसान थोड़े किए, दूसरे का जमीन कब्जा करके थाना चला रहे थे। 2020 में तो इन्होंने नोटिस सर्टिफिकेट इनको मिला 2020। वकील साहब, दिक्कत है कि आप जबरदस्ती बहस करते हैं स्टेट के तरफ से। थाना को तो उसी दिन बाहर खुद प्रेम से चले जाना चाहिए था जब इन्होंने ऑक्शन परचेज कर लिया। तो आप कह रहे हैं कि हम पजेशन किसको देंगे, इसीलिए पुलिस वाले को कोई किराया नहीं देता रहने के लिए भी।